हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एसके सुजू किचन और मैं हूँ सुजाता। तो गाइस देखिए, आज मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आ गई हूँ। बारिश के मौसम में ये रेसिपी बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। साथ ही साथ आप इसे शाम के नाश्ते में भी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाया है। तो आप इसे पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है, आप ज़रूर ट्राई करें गाइस। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने सिंपली बटर ले लिया है तो हम इसे काट लेते हैं। तो इसका देखिए टॉप और बॉटम हिस्सा हम इसे काट के निकाल देंगे। अब नाइफ लेंगे और उसे हम देखिए नाइफ से हम छील लेते हैं इसको। तो इस तरह से आप छील लें। आप चाहें तो इसकी मोटी स्किन को भी पील कर सकते हैं, मैंने इसे नहीं किया है। तो अब इसे हम देखिए धो लेते हैं। तो सारे पटल को मैंने छील कर धो लिया है। अब हम इसके दो हिस्से करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे पटल को दो हिस्सों में बांट लिया है। अब हम इसके सारे बीज को निकाल देंगे। तो आप किसी नाइफ या फिंगर के हेल्प से भी इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसकी पतली पतली सी काट लेंगे हम। तो आपको पूरा नहीं काटना है, लास्ट का थोड़ा सा हिस्सा आपको छोड़ते हुए इसे पतली पतली सी काट लेनी है। तो देखिए इस तरह से काट लीजिएगा आप भी। तो इसी तरह से देखिए मैंने सारे पटल काट लिए हैं। ये पटल की पकोड़ा की रेसिपी बहुत ही यम्मी लगती है गाइस। तो आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो आप देखिए, मैं इस तरह से भी आपको काट के दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने काटा है। तो सिंपली आपको इस तरह से इसे काट लेना है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे पटल को काट लिए हैं। अब देखिए, एक हम बैटर बनाते हैं तो उसके लिए मैंने एक कप बेसन ले लिया है। थोड़ी सी मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, काला जीरा और थोड़ा सा अजवाइन डालकर इसका बैटर बना लिया है। तो इस तरह से आप इसे फेंट ले, इसे जितना फेंटेंगे उतना अच्छा पकौड़ा बनेगा। तो आप इसे ज़रूर फेंटें। तेल गरम कर लिया है मैंने, देख सकते हैं आप। अब हम पटल को बैटर में डीप कर देंगे और इस तरह से देखिए पूरा अच्छा से बेसन का इसमें कोटिंग कर देते हैं। और इसे तेल में डालने से पहले थोड़ा सा हम इसे झाड़ लेंगे, उसके बाद ही हम तेल में इसे डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से तेल में हम डालते हैं सारे के सारे पटल। गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखें आप, लो फ्लेम में इसे पकाना है गैस। लो फ्लेम में पकाएंगे तो ही ये अंदर तक अच्छे से पक पाएगी। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे फ्राई कर लिए हैं। आप इसे चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, फिर चाय के साथ। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।